हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट IAST न्यू राउंड रिलीज टुडे 18th of November, राउंड नंबर 13। 13 नंबर राउंड रिलीज हो चुका है भैया, रैंकिंग में कोई चेंजेज नहीं आया, 10-10 चेंजेज आ रहा है, लेकिन हमारी जो रैंक है एटलीस्ट किसी की 300 वेटिंग चल रही है, किसी की 400 वेटिंग चल रही है, किसी की 100 वेटिंग चल रही है, किसी की 30 वेटिंग चल रही है। तो यार क्या क्राइटेरिया है, कितने रैंक तक जनरल कैटेगरी पोजीशन अपन मान सकते हैं कि अपन को मिल जाएगा, जिस बच्चे की कितनी रैंक होनी चाहिए कि मान सके एटलीस्ट कि अपने को मिल जाए इंस्टीट्यूट, भैया ऐसा कोई कुछ है? पिछले साल लास्ट कितना कट ऑफ गया था, ये भी बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था कि भैया लास्ट जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है वो कितना मान सकते हैं, इस बार जनरल में आपकी कितनी रैंक हो तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यार एक ये वेबसाइट है ओके, इंजीनियरिंग करियर 303, इस पर कुछ डेटा दिया गया है ओके, तो आप लोग यहाँ पे चेकिंग कर सकते हो ओके। जो ये वेबसाइट है इसका PDF वगैरह मैं आपको दे दूंगा ठीक है। तो यार इसमें कुछ दिया गया है ठीक है, ये ठीक करेक्ट ही दिया गया वैसे ओके। तो अब जस्ट 2018 की और 17 की 16 की सारी कट ऑफ दी गई है ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे चेकिंग कर सकते हो ओके स्टूडेंट्स ठीक है। तो ये यार 2016 की कट ऑफ है ओके, देन जनरल कैटेगरी के अंदर आप देख सकते हो ये कंडीशन तो बड़ी खराब थी पहले तो, लेकिन अभी ठीक है। अगर तुम्हारे जनरल कैटेगरी के अंदर 850 चल रही है IAST के अंदर ठीक है, 850 से ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर किसी को बाद में नहीं मिला तो आके मेरे को बोलेगा कि भैया मिला नहीं आपने कहा था ओके। तो यार जस्ट जो कंडीशन चल रही है 800 है तब तक तो ठीक है, 850 है तो भी चलेगा ओके, जनरल कैटेगरी के अंदर स्पोर्ट राउंड के अंदर मिल जाएगा ओके। और यार ऐसा नहीं है कि 800 के ऊपर नहीं मिलेगा, ऊपर भी मिल सकता है ठीक है, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता ठीक है। तो अगर तुम्हारे 800 850 तक है, 900 मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, तो सेफ हो। और यार ये जनरल कैटेगरी के लिए है ओके, OBC वाले तो जाते हैं ऊपर तक ठीक है, OBC वाले ना घबराएं ओके स्टूडेंट्स ठीक है। तो यार अब बहुत सारे बच्चों की ये क्वारी आ रही थी भैया कि जस्ट हमारे जो है रैंकिंग में चेंजेस नहीं आ रहा है तो क्या करें, क्या हमारा एडमिशन हो जाएगा? 300 वेटिंग चल रहा है, किसी का 100 वेटिंग चल रहा है, किसी का 5 वेटिंग भी चल रहा है ओके। तो भैया हमारे तो 10-10 चेंजेस आ रहा है, अभी जो है आज ड्यूअल डिग्री के अंदर 10 का चेंज आया, किसी में 12 का चेंज आया, किसी बच्चे के आ ही नहीं रहा है चेंजेस, भैया क्या एडमिशन मिल जाएगा ओके। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे यार ये यूट्यूब वाले भैया तो सभी को बोल रहे हैं मिल जाएगा मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया मिल जाएगा, सभी को बोल रहे हो, सभी को कैसे मिल जाएगा यार? एटलीस्ट जिसके रैंक ठीक ठाक होती है हम उसको डीमोटिवेट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट यही बोलते हैं कि स्पोर्ट राउंड तक पार्टिसिपेट करो मिल जाएगा ओके स्टूडेंट। जिसके एटलीस्ट 50 वेटिंग होता है, 60 वेटिंग होता है, 70 वेटिंग होता है, तो और उसको क्या बोल सकते हैं भैया नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं बोल सकते ठीक है। तो ऐसा ही बोल सकते हैं कि फ्यू चांसेस है स्पोर्ट राउंड तक चलो, स्पोर्ट राउंड में अपने आप को रजिस्टर करना, सीट वैकेंट हुई तो मिल जाएगा, स्पोर्ट राउंड में जरूर रजिस्टर करना। तो बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं भैया सभी को बोलते हो मिल जाएगा सभी को थोड़ा ना मिल सकता ठीक है यार। तो जस्ट ज्यादा चेंजेस रीवैलिडेशन सेकंड में भी नहीं आया है ओके, तो स्पोर्ट राउंड होगा। बहुत सारे बच्चों को ये भी क्वारी आ रही भैया कि स्पोर्ट राउंड कैसे होगा, क्या एक एक दो दो घंटे से अलॉटमेंट आएगा? तो यार इसका सारा जो भी नोटिफिकेशन है, जैसे ही स्पोर्ट राउंड का नोटिफिकेशन रिलीज करता है, आई थिंक रजिस्ट्रेशन 30 से स्टार्ट होंगे स्पोर्ट राउंड के, और 2 दिसंबर को अलॉटमेंट आएगा, और आपको आई थिंक 4 तारीख तक ऐसे कुछ फीस सबमिट करनी है। तो यार अभी तो ये राउंड चल रहे हैं, अभी 13वां राउंड आ गया है ओके। तो जस्ट इसमें तो ज़्यादा कुछ हो सकता है 15वें राउंड तक, उसमें कुछ थोड़ा सा चेंजेस आए रैंकिंग के अंदर, क्योंकि जो राउंड चल रहे हैं इसके अंदर एटलीस्ट ऐसा ही होता है कि किसी में बच्चे की 10-11 रैंक डाउन आ रही है बस, और तो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहा है ठीक है स्टूडेंट।
और यार मतलब ये 2 साल से कंपेयर ना करें इसको कि स्पोर्ट राउंड के अंदर अपन को मिल जाएगा, ओके, क्योंकि एक ही इंस्टीट्यूट है यार, सीटें तुमको पता ही है कितनी सी सीटें हैं इनके पास, ओके, तो ये वाला सीन है यहाँ पे भी बना हुआ, ओके, तो यहाँ पे कुछ दिया गया है ये प्रोसेस की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक क्या थी, ओके, जनरल कैटेगरी के लिए, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जैसे कि जनरल के लिए ये कुछ कुछ डिटेल्स दी गई है, आप यहाँ पे चेकिंग कर सकते हैं, ओके, तो जस्ट 19 की भी मिल जाएगी आपको इन्फॉर्मेशन, ओके, 801, ओके, एंड 18 की भी चेक कर सकते हो, ये बड़ी अच्छी चीज गई है यहाँ पे, ओके, देन ये 17 की है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो जस्ट यार स्पोर्ट राउंड में जरूर पार्टिसिपेट करें, एवरीवन वो वांट टू गेट सीट इन IIST, रजिस्टर योर सेल्फ फॉर स्पोर्ट राउंड, एवरीबडी वो आर रजिस्टर इन IIST, प्लीज रजिस्टर फॉर स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन एडमिशन, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है यार, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो की ओर, थैंक यू।